Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. माँ का दिल कितना भी सख्त हो जाए मगर दोस्तों अंदर से वो बहुत नरम होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज गौतमा का रोना देख के सच में मन भर आया, बहुत ही इमोशनल सीन था। माँ और बेटे के बीच में जो जुदाई आने वाली है 7 साल की, उसको लेके इसमें बात करते हैं। आखिर इतना रोई गौतमा और इस बात पे ज्यादा रोई कि 7 साल के लिए बच्चा दूर हो रहा है, जबकि उन्होंने खुद ही पहले अपने पति मल्हार राव होलकर से कहा था कि आप जो मर्जी सजा दे दीजिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगी और अगर बोलूंगी तो आप मुझे मना कर देना। तो फिर ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं कर पाई अपने आप को सख्त गौतमा उस समय जब सजा सुना दी गई, चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ पे बात गौतमा की तो है ही है, क्योंकि माँ है और माँ से बच्चा दूर होता है तो सच में दिल रोता है। तो बात खंडेराव की भी है, खंडेराव भी अपनी आई से दूर नहीं रहे हैं, कभी भी नहीं रहे हैं, जब भी हुए हैं दूर तो 1 या 2 दिन के लिए हुए हैं। यहाँ पे बात 7 साल की हो रही है कि 7 साल तक खंडेराव मालवा वापस नहीं आएंगे। अब ये एक फैसला जहां तक गौतमा को हिला देता है, खंडेराव को भी हिला देता है। खंडेराव के साथ गौतमा का रिश्ता ऐसा है कि एक पल की जुदाई भी उनको बर्दाश्त नहीं है। तो ये यहाँ पे 7 साल की बात हो रही है। गौतमा ने सोचा भी नहीं होगा जब वो मल्हार राव होलकर से गुस्से में बात कर रही थी कि आप जो मर्जी सजा दे दो खंडेराव को, कुछ मर्जी बोल दो, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। उन्होंने तब ये नहीं सोचा था कि क्या सजा मिलने वाली है। उन्होंने जरूर सोचा होगा कि ऐसे सजा दे देंगे जैसे वो अहिल्या को सजा देती आती थी जब अहिल्या गलतियां करती थी, मगर ये नहीं सोचा होगा कि जुदाई आ जाएगी, मेरा खंडेराव मेरे से दूर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम मॉडर्न सोसाइटी में देखें दोस्तों कि जब बच्चे ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जब माँ बाप के कंट्रोल में नहीं रहते हैं तो उनको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है ताकि वो वहां से सुधरे, अनुशासन सीखे और फिर वापस आए। तो वैसा ही कुछ फैसला उस टाइम का मल्हार राव होलकर का था कि गुरुकुल में भेजना, जहां पे आम छात्रों की तरह ही खंडेराव को रहना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, शस्त्र विद्या सीखनी पड़ेगी, सब कुछ आम होगा। वहां पे युवराज वाला अहंकार लेके खंडेराव नहीं जाएंगे। और गुरुकुल में शक्ति भी होती है अनुशासन बनाने के लिए, अनुशासन सिखाने के लिए। तो ये सब बातें जो है खंडेराव को पता है क्या होता है, और वैसे भी वो पहले से ही बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा। ऊपर से उनका उनकी आई से दूर होना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और गौतमा, माँ का दिल जो होता है वो बहुत ही कोमल होता है। दोस्तों हमने देखा कि ऐसा लग रहा था कि गौतमा का कलेजा मुंह को आ गया जब उनको ये सजा सुनी, ये वाली बात मल्हार राव होलकर के मुंह से सुना कि खंडेराव को 7 साल के लिए आपसे दूर जाना पड़ेगा, उनको वहां पे शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, एक अच्छे युवराज बनके वापस आना पड़ेगा। अभी तो ये फैसला गौतमा को बहुत मुश्किल लग रहा है, मगर दोस्तों इसी फैसले पे कल गौतमा जब 7 साल बाद खंडेराव आएंगे, मान करेगी, मल्हार राव होलकर को थैंक यू बोलेंगी, धन्यवाद करेंगी उनका कि आपने मेरे बेटे को सुधार दिया। बट फिलहाल के लिए गौतमा दुखी है, हमें भी उनको देख के थोड़ा दुख हुआ। आपको कैसा लगा, आप भी अपना दुख या जो भी आपके मन में है कमेंट के जरिए व्यक्त कर सकते हैं। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।